शास्त्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल इसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए सबको एक भाषा की आवश्यकता हुई, तो वह हिंदी से ही साध्य हो सका। इस भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बात किया जाता है, तो सबको एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा की जब आवश्यकता हुई, वह सब जनता की भाषा होनी चाहिए। इसलिए हिंदी को तो ये हिंदी से ही शादी हो सका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में आमोदित किया गया। तब से सन 1953 से पहली बार हिंदी दिवस मनाना शुरू किया गया। तो छात्रों, मैं हिंदी के छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसकान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। धन्यवाद जी। शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आने के कारण हिंदी दिवस के लिए कुछ बात करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते ही है कि सितंबर 14 सितंबर के लिए हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी इस दिन 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को हमारे देश की राजभाषा का निर्माण होया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में देश की एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से हो सका। हिंदी से हम हमारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई, जिसे सारे भारत के जानते हैं। वैसी भाषा है हिंदी, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। धन्यवाद। जाके कहीं हमने सर पे
ये कैसरी रंग सजाया है, मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे सा दर्द से महफूज है, तेरी आन सदा चाहे मेरी रहे न रहे, सबको न्यारी हिंदी, मीठी मदर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, मीठी मदर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, भारत की शान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, हिंदी हम अपनाएंगे राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, हिंदी हम अपनाएंगे राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, जय हिंद जय भारत धन्यवाद। आज मैं सुनाऊंगी हिंदी दिवस की क्षण। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समुद्र तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर करने वाले लोगों और संस्थाओं के पुरस्कृत किया गया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। हाँ।
हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगी शांति चारों ओर, होंगी शांति चारों ओर, होंगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चल गए साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चल गए साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चल गए साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। धन्यवाद। हमने कहा
मैं सातवीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को हमारे देश राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकता है। धन्यवाद। जी।
सभी जनो एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुनते माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुनते माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है किटेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है किटेर प्यारी, गा रही तरना बुलबुल रग मगर एक है, गा रही तरना बुलबुल रग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल यही सागर में हुई सब एक है, जाकर मिल यही सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। पुरी नगर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, पुरी नगर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, पुरी नगर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा I'm not afraid.
सभी को मेरा नमस्कार। मेरे ख्याल से आज सब लोगों ने यह कार्यक्रम बहुत पसंद किया। तो नौ वर्षों से हम प्रति वर्ष हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस साल का हिंदी वर्ष कुछ भिन्न है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये कार्यक्रम बहुत पसंद किया और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले सालों में भी इसी प्रकार हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएंगे। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी हिंदी दिवस टू ऑल ऑफ यू। सो फार वी हैव कंडक्टेड so many programs like dances, speeches and some skits and so on. So I am very happy to see that many of the children are coming forward to perform various programs after coming to this school, and still I expect same thing in future programs also, so that we can learn something new in the school.